जय हो गंगा मैया। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो फ्रेंड्स। और आज मैं आपको दिखाऊंगा बिहार के छठ और बिहार का जो है महापर्व का सीन। तो फ्रेंड्स वीडियो पर जो है इंटर बने रहिएगा, क्योंकि आज का वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। फ्रेंड्स ये जो है हमारे बिहार का सबसे महापर्व है, तो चलिए दिखाते फटाफट और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो की शुरुआत होती है घर से, और अभी बज रहे हैं 2 के आसपास हो रहे होंगे, और हम जो है घर से डाला उठा के चल दिए घाट की तरफ। तो मेरी मम्मी है और मैं निकल रहा हूँ घाट पे डाला लेकर के। तो फ्रेंड्स निकलते हैं घर से, और छठ घाट में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। फ्रेंड्स गांव का सुकून का बात ही अलग है, यहाँ फ्रेंड्स त्यौहार के साथ साथ सुकून मिलती है। तो फ्रेंड्स फाइनली हम घर से बाहर निकल गए, अब चलेंगे बांध पे, थोड़े से पैदल चलेंगे 5 मिनट के आसपास मान के चलिए, और घाट पे पहुंच जाएंगे। हर बार जो है हम लोग का जो है ये घर है, घर के जस्ट बगल में नीचे ही होता था सामने, लेकिन इस बार जो है नदी का थोड़ा सा ऊपर नीचे ये हो गया ना, मतलब कटिंग, इस वजह से थोड़ा सा दूर आना पड़ा। फाइनली हम आ चुके हैं घाट पे, और ये देखिए ये घाट का जो सजावट कुछ इस तरह से है। धूप तो काफ़ी कड़क था आज भी, इस वजह से केला का जो है पौधा मुरझा गया हुआ है। तो चलते घाट पे, अभी तो मम्मी नहीं आई हैं, लेकिन उससे पहले जो है इस पे जो मेन होता है डाला रख करके, और जो सामान होता है ना अरक पे, वो सामान सब डालेंगे, और उसके बाद सारा व्यू आपको दिखाऊंगा। फ्रेंड्स फटाफट चलते हैं और स्टार्ट करते हैं यहाँ का जो प्रक्रिया है। सबसे फर्स्ट ये जो लोटा यहाँ बोलते हैं, उसमें जल भरेंगे, और सूर्य देव को जो अर्घ देते हैं ना इसी को दिया है। बाकी सारा जो होता है इसके सामने रखेंगे, कुछ देर रख देंगे, और इस पे एक अर्घ रखेगा, बाकी सब जो है नीचे रखेंगे। ये देखिए ये मिष्ठान है जो कि छठ का ये सब मेन प्रसाद है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो भी दिखेगा ना, मतलब बिल्कुल नेचुरल और काफ़ी हटके छठी माता का जो प्रसाद होता है, देख सकते हैं नींबू केला नारियल आती है, देखिए किस तरह से सजा हुआ है पूरा छठ घाट। और ये देखिए इतना प्यारा नज़ारा है, इससे भी अच्छा लगेगा आपको मॉर्निंग टाइम में और भी बहुत प्यारा लगने वाला है। फ्रेंड्स इधर की तरफ जो है यहीं तक घाट है, ठीक है, और आपको यहाँ तक यहीं तक मिलेगा, लेकिन इधर की तरफ जो है आपको देख सकते दूर दूर तक, बहुत दूर तक फैला हुआ है। तो फ्रेंड्स मैं आपको ले चलता हूँ पुल पर से दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए पुल का नज़ारा कुछ इस तरह का, ये जो है इस तरफ यानी कि पश्चिम की तरफ का, देखिए कितना दूर तक पूरा छठ घाट ही है। ठीक है, मॉर्निंग के टाइम का तो और बेहतर नज़ारा आएगा, ठीक है। ये तो इवनिंग का है, और इस साइड में जो हम लोग का छठ घाट है, इधर का देखिए इधर का नज़ारा किस तरह से रहने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे भी मज़ेदार तो आपको मॉर्निंग का वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अब चलते हैं, अब हो गया शाम का टाइम, ठीक है। अब देख रहे हैं सामने जो है जो भी पर्व किए हुए हैं वो सब नहा रहे हैं, और अर्घ देंगे सूर्य देव को, और फटाफट अर्घ देंगे, उसके बाद फिर सूर्य अस्त होने से पहले थोड़ी देर पहले स्टार्ट हो जाती है सब। ये देखिए किस तरह से जो है जो भी त्यौहार किए हुए हैं, जो भी पर्व किए हुए हैं, सब अपना अपना जो है अर्घ दे रहे हैं सूर्य देव को। प्यारा लगता है फ्रेंड्स यहाँ पे, ये देखिए फ्रेंड्स क्या नज़ारा है। तो फ्रेंड्स इस तरह से होता है। अब चलते हैं घर के तरफ और डाला उठाते हैं, हम लोग का सारा काम हो गया और डाला उठाएंगे, और आज के लिए जो है इतना ही है, अब घर पे चलेंगे। और रास्ते में देखिए कितने सारे लोग हैं, मैं आपको सारे दिखाते चलता हूँ। हम बढ़ रहे धीरे धीरे राम राम से, क्योंकि ये देखिए, और ये जो है कुछ इस तरह से ढोल बाजा भी होता है इसमें, जिन लोगों का मन्नत होता है, और देख सकते कितना सारे लोग हैं। और फ्रेंड्स ये जो नदी आपको दिख रहा है बागमती नदी है, उत्तर बिहार की सबसे खतरनाक नदी है। अभी हाल फिलहाल में आप सुने होंगे सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में जो बांध टूटा था, तो फ्रेंड्स यहाँ से कुछ ही दूर पे है, मतलब 3-4 किलोमीटर दूरी पे है। तो चलते हैं घर के तरफ, और फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में तो इतना ही है, और मॉर्निंग का वीडियो बहुत ही जल्द आएगा आप सबके पीछे।